बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक आकिब और आप मेरा यूट्यूब चैनल एच फोर की स्ट्राइव देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने आईफोन को रीसेट कर सकते हैं। जब भी आप सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो आप सबसे पहले अपना जो आईफोन है उसको रीसेट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने कैसे करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आपने क्या करना है, अपने जो आईफोन है उसकी सेटिंग्स में ना, आप ये दे सकते हैं आईफोन की सेटिंग्स। हमने जैसे ही ओपन की यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग्स आ रही होती हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद पहले हम चेक करते हैं कि इसकी एप्पल आईडी लॉग आउट है। ये देखें जी, हमारी जो एप्पल आईडी है वो हमने लॉग आउट की हुई है। अभी हमने इस मोबाइल को, इस आईफोन को हमने रीसेट करना है, जिसको हम फैक्ट्री रीसेट कहते हैं, ताकि हमारा इसके अंदर जितना भी डाटा है, जो आई क्लाउड के अंदर डाटा है, वो सारा चला जाए। तो आपने क्या करना है, जनरल के ऊपर आना है। जैसे ही जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे लीगल रेगुलेटरी के नीचे ट्रांसफर एंड रीसेट आईफोन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो उसके बाद आपने यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे रीसेट एंड क्लीन रेज ऑल डाटा के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका आईफोन आगे नेक्स्ट जो होता है वो सेटिंग मांगेगा। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये क्या है जी, कह रहा है रेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही रेज दिस आईफोन, यस हम इसी तरह इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे आपने अपने फोन का जो पासवर्ड लगाया वो लगाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ पे फिर आपने लगाने के बाद रीसेट रेज आईफोन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए जी, अभी हमारा जो आईफोन है वो रीसेट हो रहा है। इसके अंदर जितना भी डाटा है एप्पल का, आई क्लाउड के अंदर सेटिंग्स हैं, जो आपके फोन पिक्चर्स हैं, आप उनको सबको क्या कर रहे हैं, यहाँ से रीसेट कर रहे हैं। जो भी आपके फोन की सेटिंग्स है वो सारी खत्म हो जाएगी। और जाहिर है जब आपने फोन सेल किया होगा तो आपके आई क्लाउड के अंदर जितना भी डाटा होगा, आपने दूसरे फोन में आई क्लाउड आईडी लगाएंगे तो आपका सारा डाटा उधर चला जाएगा। लेकिन जो कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो कि आईफोन के अंदर आपने अपनी मर्जी से की होती हैं, या कुछ ऐप डाटा होता है, या इससे मिलती जुलती जितनी भी सेटिंग होती है, यानी कि आप एक बार आईफोन को ऐसे ही कर देते हैं रीसेट, जैसे कि बिल्कुल अभी न्यू आया है, तो इसको रीसेट आपने करने के लिए लगा दिया है। जैसे ही यहाँ से कंप्लीट होगा उसकी नेक्स्ट सेटिंग आएगी, आगे मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, अभी हमारा आईफोन जो है वो रीसेट हो रहा है, अभी तक फिलहाल हो रहा है, तो देखते हैं कब तक ये रीसेट होता है। ये देखें जी, जैसे ही हमारी आईफोन की रीसेट हो जाता है, जैसे ही रीसेट होगा आपके सामने आ जाएगी सेटिंग, अभी तक सेटिंग्स हो रही हैं डाटा। ये देखें जी, अभी से हमारा जो आईफोन है उसका मुकम्मल डाटा जो है वो रीसेट हो चुका है। हमारा आईफोन एकदम फ्रेश हो चुका है, ये तो बिल्कुल नया लग रहा है। इसकी जैसे सेटिंग है, आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने कंट्री अपना सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने यहाँ से जिस भी कंट्री के अंदर आप ये करना चाह रहे हो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आने के बाद आपने क्या करना है, अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है जिस कंट्री में आप रहते हैं। जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो इस पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करेंगे हम। ये ऐसे यहाँ पे कुछ सेटिंग्स कह रहा है, सिलेक्ट लैंग्वेज एंड कंट्रीज, वही सेटिंग्स अपनी इसको करेगा, तो उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो होगा वो स्टेप आ जाएगी। ये देखें जी, ये आ गया। उसके बाद आपने यहाँ से जस्ट इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद क्विक स्टार्ट, इसके ऊपर भी आपने नेक्स्ट कर देना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से ये चीज आ गई, उसके बाद आपने फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको वो कह रहा है कि आप अपने जो जो वाईफाई उसका पासवर्ड लगाएं, तो अभी मैं वाईफाई का पासवर्ड लगाता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड जैसे ही आप लगाएंगे तो जाहिर है इसके जो जितना भी डाटा है वो अपने सर्वर से कनेक्ट होगा, और उसके बाद इसका जितनी भी सेटिंग्स होगी वो फौरी तौर पे वो कर देगी। देखिए जी, मैंने पासवर्ड लगा दिया है जो वाईफाई का, उसके बाद जैसे ही ये कनेक्ट होगा वाईफाई के साथ, नेट के साथ, तो ये अपनी सेटिंग्स जो है वो कर लेगा। मजीद अभी विद इन सेकेंड्स के अंदर वो क्या कह रहा है कि आपका जो आईफोन है वो रेडी हो जाएगा। डाटा एंड प्राइवेसी आएगा, इसको कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपने ये इसके ऊपर क्लिक कर देना, सेट एज डिफॉल्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देना। फेस आईडी अभी आपको लगानी है या नहीं लगानी है, आपने नॉट नाउ के ऊपर क्लिक करना, बाद में आप लगा लीजिएगा। उसके बाद आपने अपना आईफोन का
जो पासवर्ड है वो सेट करना है। भाई मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है 4 डिजिट वाला मैं लगाऊंगा क्योंकि इजी होता है। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पासवर्ड लगा दिया इसके ऊपर, उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ से ऐसे कर दिया, उसके बाद फिर आपने इसको कंटिन्यू कर दिया, क्रिएट आईफोन पासवर्ड, फिर दोबारा हमने वही लगा दिया। जैसे ही हमने पासवर्ड ये लगाएंगे तो आपका जो फोन है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफर योर एप्स डाटा, इसके ऊपर आप इसको भी नेक्स्ट करते जाएं, मतलब जो सेटिंग्स आती जाएंगी, आप एप्पल आईडी अगर आपके पास है तो लगा दे, नहीं तो आप उधर ये लिखा हुआ है मतलब कि आपने आईडी अभी आपके पास नहीं है तो आप इसको विदाउट आईडी जो आपने इसके ऊपर आपने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। तो मेरे पास अभी आईडी नहीं है तो मैं इसको क्या करूँगा, ये जो सेटिंग्स आपके सामने नजर आ रही लिखी हुई इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है कि अभी हमारे पास आईडी नहीं है तो हम बाद में इसको लगा लेंगे। तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से मजीद है क्या क्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेटअप लेटर के ऊपर सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या है डोंट यूज के ऊपर आपने जैसे ही क्लिक करना है, आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि यूज एप्पल आईडी और डोंट यूज, और हमारे पास जैसे कि अभी आपने एप्पल आईडी नहीं लगाई तो हम डोंट यूज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएगी, आपने इसको एग्री कर देना है, ऊपर से ये सामने आपके पास नजर आ रहा है इसको एग्री कर देंगे और हमारा सेटअप योर आईफोन ऑटोमेटिकली कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेटिंग इसकी ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगी। और उसके बाद फिर इसको भी कंटिन्यू कर दे, जैसे ही आपने इसको कंटिन्यू करना है कंटिन्यू कर दें, नॉट नो कर दो आपकी मर्जी है, जो भी आप इसको कंटिन्यू करें, ओके कर दें। यहाँ से जैसे ही आप ओके करेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो आ जाएगा, आपने यहाँ से इसको सेटिंग्स को मतलब के सारी ओके हो जाएंगे, और सेटअप मोबाइल सर्विस कंटिन्यू कर देंगे। फिर उसके बाद आपने मजीद कंटिन्यू कर देना है, फिर शेयर यहाँ पे फिर कंटिन्यू ये ऐसे, और वेलकम टू आईफोन। लो जी हमारा आईफोन जो है वो रीसेट हो चुका है, कम्प्लीटली रीसेट हो चुका है। और इस तरीके से आपने रीसेट करना होता है। अभी आपके सामने जैसे ही विद इन सेकेंड्स के अंदर जो है ना वो ये देखेंगे हमारा जो आईफोन है रीसेट हो चुका है। इस तरीके से गाइज आपने अपना जो आईफोन है वो रीसेट करना है। कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स है जैसे आप मैंने आपको वीडियो में बताया, आपने ये चीज़ें देख के तो आपने आईफोन से रीसेट कर लेना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को आपने लाइक कमेंट भी किया होगा। मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए H4K स्ट्राइव को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए मलिक आकिब को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।